छोटे से गांव में एक गरीब दुखिया औरत अपने बेटे मनु के साथ रहती थी। छोटे छोटे कागज के खिलौने बनाकर बेचती थी। उसी से अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन ऐसा आया कि काम करते करते वह बीमार हो गई। तब उसने मनु को बुलाकर कहा, मनु अब मुझसे काम नहीं होता, तू ऐसा कर बेटा कि शहर चला जा, कुछ पैसे कमा कर ला। अगले दिन सुबह मनु की माँ ने उसे कुछ पैसे दिए, 7 रोटियाँ, कुछ सब्जी और अचार एक पोटली में बांधकर दे दिया। मनु पैसे और खाने की पोटली लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गई। मनु को भूख लगी। उसने एक घने पेड़ के नीचे बैठकर रोटियों की पोटली खोली। देखा कि उसमें 7 रोटियां हैं। रोटियों को देखकर वह जोर जोर से अपने आप से बोलने लगा, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं या 7ों को खा जाऊं। उस पेड़ पर 7 परियां रहती थीं। वे समझी कि यह लड़का उन्हें खाने की बात कर रहा है। वे डर गईं। परियां पेड़ से नीचे उतर आईं। मनु से विनती करने लगी, तुम हमें मत खाना, हम तुम्हें बहुत अच्छी चीज देंगे जिससे तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। मनु हैरान हो गया। उसने अपनी 7 रोटियों के बारे में कुछ नहीं कहा। बोला, लाओ, क्या चीज है, मुझे बहुत भूख लगी है। सबसे बड़ी परी जल्दी से पेड़ के ऊपर गई, एक बड़ा सा पतीला लेकर आई। कहने लगी, यह जादू का पतीला है, इसमें जो चाहोगे अपने आप पक जाएगा, तो पका कर दिखाओ, मुझे तो हलवा खाना है, मनु बोला। यह सुनने के बाद परी ने पतीले का ढक्कन खोला। मनु ने देखा कि पतीला गरम गरम खुशबूदार हलवे से भरा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। भूख बहुत लगी थी इसलिए खूब पेट भरकर हलवा खाया। फिर बोला, अब मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। परिया खुश होकर पेड़ पर चली गई। मनु पतीला और पोटली लेकर घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते रात हो गई। वह एक सराय में रात गुजारने के लिए रुक गया। सराय के मालिक ने पूछा, तुम्हारा सामान कहाँ है? यह पतीला है, मनु ने कहा। बस, मालिक ने पूछा। मनु डिंगे मारने लगा, यह ऐसा वैसा पतीला नहीं है, जादू का है, जो कहो वही पका देता है। अच्छा, तो कुछ पका कर दिखाओ, मनु बोला। पतीले रे पतीले, हलवा बना दे। देखते देखते पतीला हलवे से भर गया। सराय के मालिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोनों ने पेट भर हलवा खाया और सो गए। सराय का मालिक बड़ा बेईमान था। रात को चुपके से उठा और पतीला चुरा लिया। उसकी जगह वैसा ही एक पतीला रख दिया। सुबह मनु पतीला लेकर अपने घर की ओर चल दिया। घर आकर उसने अपनी माँ को जादुई पतीले के बारे में बताया। बोला,
पतीले रे पतीले हलवा बना दे। फिर ढक्कन खोला तो देखा कि पतीला तो खाली पड़ा है। माँ ने मनु को बहुत डांटा। मनु ने समझा कि परियों ने उसे धोखा दिया है। अगले दिन उसने माँ से कहा, माँ तू मेरे लिए 7 रोटियाँ फिर से बना दे, मैं अभी उन धोखेबाज परियों के पास जाता हूँ। माँ ने रोटियाँ बना दी। मनु रोटियाँ लेकर उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कहने लगा, 1 को खाऊं, 2 को खाऊं, 3 को खाऊं या 7 को खा जाऊं। बेचारी परिया डर गई, फिर नीचे आई, बोली, हमें मत खाओ, इस बार हम तुम्हें पतीले से भी अच्छी चीज देंगी। वह पतीला तो बेकार निकला, उसमें कुछ नहीं पका। अच्छा, यह बकरी ले जाओ। यह बकरी जब घास खाती है तो सोने की मोहरे बरसती हैं। परियों ने कहा, फिर जैसे ही बकरी को घास खिलाई गई वहाँ सोने की मोहरे बरसने लगी। मनु बकरी लेकर फिर से उसी सराय में रात गुजारने के लिए पहुँचा। सराय के मालिक ने बकरी देखी तो बोला, बकरी यहाँ नहीं रह सकती। मनु ने उसे बकरी की विशेषताएं बता दी। सराय का मालिक बड़ा हैरान था कि यह लड़का है या जादूगर। सराय के मालिक ने फिर वही हरकत की। रात हुई तो मनु की बकरी की जगह दूसरी बकरी बांधकर सो गया। अगले दिन मनु घर आया, माँ से बोला, देख माँ, यह बकरी सोने की मोहरे देती है। मैं नहीं देखती, तू पागल लड़का है, माँ ने उसे झिड़का, देख तो सही। फिर मनु ने बकरी को घास खिलाई। बकरी घास खाती रही मगर एक भी सोने की मोहर दिखाई नहीं दी। इस बार फिर मनु परियों के पास पहुंचा। कहने लगा, तुमने जो कुछ दिया सब बेकार दिया। परिया यह सुनकर कुछ सोच में पड़ गई, फिर बोली, अच्छा यह बताओ, यहाँ से सीधे घर जाते हो या कहीं रास्ते में रुकते हो? मैं रात को एक सराय में ठहरता हूँ, वहाँ के मालिक से मेरी दोस्ती है, तो उसे पतीले और बकरी के बारे में बताया भी होगा। परियों ने पूछा। हाँ, बताया भी और दिखाया भी, मनु ने कहा। परिया फिर कुछ सोच में पड़ गई। पेड़ के ऊपर से एक थैला लेकर आई। मनु से कहा, इस बार यह थैला लेकर जाओ, इसमें एक रस्सी है और एक डंडा। जब सराय का मालिक तुम्हारे पास आए तो कहना, निकल मेरी रस्सी, बांध चोर को। फिर बोलना, निकल मेरे डंडे और पीट चोर को। मनु थैला लेकर सराय में आया। सराय का मालिक मनु को देखकर बहुत खुश हुआ। पूछा, इस बार क्या लाए हो? इस बार बहुत अच्छी चीज लाया हूँ, कमरे में चलो फिर दिखाऊंगा। सराय का मालिक खुशी खुशी कमरे में गया। मनु ने कमरा बंद कर लिया, बोला, निकल मेरी रस्सी और बांध दे चोर को। रस्सी झट थैले में से निकली, सराय के मालिक को जकड़ लिया। मनु फिर बोला, निकल मेरे डंडे और पीट चोर को। बस फिर क्या था, डंडा थैले में से निकला और लगा सराय के मालिक की पिटाई करने। इतनी धुनाई की कि वह रोने लगा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी चीजें वापस कर दूंगा। मनु ने
डंडी और रस्सी को वापस थैली में बुला लिया। अपना जादू का पतीला और बकरी लेकर घर आ गया। अपनी माँ के साथ खूब आराम से रहने लगा। परियों को भी धन्यवाद दिया और उन्हें कभी नहीं सताया।